हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 में जो किरायेदारों की बेदखली के अधिकार मकान मालिक को दिए गए हैं उनके बारे में। देखिए चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 9 में जो अधिकार हैं वो मकान मालिक को दिए गए हैं इविक्शन ऑफ टीनेंट्स के लिए, यानी कि मकान मालिक के पास में क्या क्या ग्राउंड होते हैं कि जिसके अंतर्गत वो किसी भी मकान मालिक जो है वो किसी भी किराएदार को बेदखली के लिए कह सकता है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या क्या ग्राउंड दिए गए हैं किसी भी मकान मालिक को। तो देखिए क्या होता है कि यदि कोई किराएदार जिसने किसी दुकान या मकान को किराए के रूप में लिया है और वह किराया अदा करने में असफल रहता है या किराया समय पर अदा नहीं कर पाता या 4 महीने तक उसने किराया अदा नहीं किया है, तो यहाँ पर मकान मालिक के पास में अधिकार हो जाता है इविक्शन ऑफ टीनेंट का, यानी कि किराएदार से बेदखली के अधिकार मकान मालिक के पास में हो जाते हैं। इस परिस्थिति में मकान मालिक जो है वो ऐसे किसी किराएदार के नाम पर एक लीगल नोटिस भिजवाता है और उस नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अंदर यदि कोई किराएदार किराया अदा नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर मकान मालिक जो है ऐसे किसी किराएदार से उस परिसर से उसे बेदखल करने के लिए कह सकता है। उसके कानूनी अधिकार जो है मकान मालिक को प्राप्त हो जाते हैं। उसके अलावा यदि कोई किराएदार किसी भी परिसर पर कोई न्यूसेंस कारित करता है या मकान मालिक के स्वामित्व के ऊपर ठेस पहुंचाता है या उसके खिलाफ कोई कार्य करता है, तो भी मकान मालिक के पास में पूरे अधिकार हो जाते हैं ऐसे किराएदार से बेदखली करने के लिए। यदि कोई किराएदार किसी भी परिसर पर क्षति पहुंचाता है या नुकसान कारित करता है, तो यहाँ पर मकान मालिक के पास में अधिकार होते हैं ऐसे किसी किराएदार से बेदखली के लिए, वो कोर्ट में दावा पेश कर सकता है। इसके अलावा देखिए यदि कोई भी किराएदार मकान मालिक को लिखित सूचना दिए बिना, लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी मॉडिफिकेशन करता है या रूप परिवर्तन करता है या फिर जो परिसर उसे किराए पर रहने के लिए दिया गया है उसमें कोई चेंजेस करता है जिसकी जानकारी मकान मालिक को नहीं है और उसने मकान मालिक से अनुमति भी प्राप्त नहीं की है, और उसके इस मॉडिफिकेशन से मकान का वास्तविक स्वरूप ही बदल जाता है या मकान या दुकान का रियल जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है, तो भी यहाँ पर मकान मालिक के पास में अधिकार होते हैं कि वह ऐसे किसी किराएदार को बेदखली के लिए कह सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए जो किराएदार है, यदि किराएदार ने जो भी क्षेत्र जो भी दुकान या मकान उसको किराए पर दिया गया था वह अपनी जगह उसका कब्जा या उसका स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को देता है जिसे हम सामान्य भाषा में सबलेट देना कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि मकान मालिक के पास में अधिकार हो जाते हैं कि वह ऐसे किसी किराएदार को बेदखली के लिए कह सकता है। यदि एक व्यक्ति को किराए पर मकान दिया गया है या दुकान दी गई है और वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते हैं या भीड़ भाड़ रहती है, तो और उस क्षेत्र का कोई अधिकारी मकान मालिक को शिकायत करता है, तो भी यहाँ पर क्या होता है मकान मालिक के पास में अधिकार हो जाते हैं कि वह ऐसे किसी किराएदार से उस परिसर को बेदखली के लिए कोर्ट में दावा पेश कर सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मकान मालिक होते हैं या जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वो अपने किसी नौकर को या किसी चपरासी को या अपने जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको रहने के लिए कोई आवास जो है वो देते हैं और वह व्यक्ति जो है किराएदार के रूप में वहाँ पर रहता है, तो ये वो जो है जब तक उसकी सेवाएं चलेगी तब तक उसका प्रयोग कर सकता है, परंतु जैसे ही उसकी सेवाएं पूर्ण होती है तो मकान मालिक यानी कि जो जो ऑनर है वो उसे उस क्षेत्र को खाली करने के लिए कह सकता है, और ऐसी परिस्थिति में जो नौकर है या फिर जो किराएदार है उसे उस जगह को खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो किराएदार होते हैं, किराएदार जो है यदि किसी भी परिसर का प्रयोग आवासीय प्रयोजन के लिए ना करके अगर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए करते हैं, यानी कि मकान मालिक ने किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए वो स्थान दिया है आवासीय प्रयोजन के लिए दिया है,
परंतु यदि किराएदार दुकान या मकान का प्रयोग जो है आवासीय प्रयोजन के अलावा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए करता है, तो भी यहाँ पर मकान मालिक के पास में अधिकार हो जाते हैं कि वह ऐसे किराएदार को बेदखल करने के लिए कोर्ट में दावा पेश कर सके। इसके अलावा जो भी मकान या दुकान होता है उसमें पहला स्वामित्व या पहला अधिकार हमेशा मकान मालिक का होता है। यदि मकान मालिक को स्वयं के लिए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए उस भवन, उस मकान या दुकान की आवश्यकता है, तो वह किराएदार को बेदखल करने के लिए कह सकता है या कोर्ट में दावा पेश कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में किराएदार को उस परिसर को खाली करना होगा। परंतु यहाँ पर एक प्रमुख बात है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यानी कि ऐसा मकान मालिक जो है उस परिसर को 3 साल तक दोबारा किराए पर नहीं दे सकता। 3 साल के बाद में ही उसे किराए पर देना होगा, यानी कि 3 साल तक वह उस जगह का प्रयोग स्वयं के लिए ही करेगा। यदि मान लीजिए कोई भी मकान या कोई भी दुकान जर्जर अवस्था में है या वो बहुत ही टूटने वाली अवस्था में है और निर्माण कार्य के लिए मकान मालिक को उसकी आवश्यकता है, तो भी यहाँ पर उस दुकान या परिसर को या भवन को उसे किराएदार को खाली करना होगा और मकान मालिक जो है उस पर अपना कब्जा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यदि मान लीजिए किराएदार ने कोई भी भवन या परिसर किराए पर लिया, परंतु वह उसे बंद करके चला गया यानी कि ताला लगा के चला गया और 6 महीने से अधिक समय तक वह वहाँ पर नहीं रहता है, तो भी यहाँ पर मकान मालिक को अधिकार है कि वह किराएदार को उस जगह को बेदखल करने के लिए कह सकता है, उसको छोड़ने के लिए कह सकता है और किराएदार की बेदखली के लिए कोर्ट में दावा पेश कर सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर यह देखते हैं कि कई बार जो किराएदार होते हैं, यदि किराएदार मकान मालिक को स्वामी मानने से मना कर देता है और स्वयं को स्वामी घोषित करता है, तो भी उस परिस्थिति में मकान मालिक के पास में अधिकार हो जाते हैं कि वो किराएदार से उस जगह को बेदखल करने के लिए कोर्ट में दावा पेश करें और यहाँ पर ऐसे किराएदार को उस जगह का परित्याग करना होगा यानी कि उसको छोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर आज हम लोगों ने चर्चा की किराएदारों की बेदखली के संबंध में मकान मालिक को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और किस प्रकार से एक मकान मालिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और किराएदारों से उस परिसर को खाली करवा सकता है जिसका प्रयोग वह इलीगल तरीके से अपने लिए करते हैं या दुरुपयोग करते हैं उसका। तो यहाँ पर मकान मालिकों को अधिकार दिए गए हैं हमारे कानून में। उम्मीद है आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहें, इसके लिए आप हमें कमेंट करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।